गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर एंड अ न्यू सब्जेक्ट फिजिक्स फॉर क्लास 10 एंड द चैप्टर इज चैप्टर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप क्लास 8 में भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी या जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो किससे बना है। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बनता है इलेक्ट्रॉन से, और करंट का मतलब होता है फ्लो। तो इजी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वेल जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी तब एक्चुअल में सारे साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट ने यही माना था कि एक मेटेलिक कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, मेटेलिक कंडक्टर इसलिए क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं एक पर्टिकुलर डिरेक्शन में तब करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, या उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और नए फेनोमेना की डिस्कवरी हुई, जैसे कि मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी या हीट बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें यह पता चला कि डायरेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट का, जो हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ने वाले हैं इसके बाद के चैप्टर में, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले यह समझ लेते हैं कि करंट अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है तो क्या है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से रिलेटेड नहीं है, वो होता है चार्ज का फ्लो। अब चार्ज का फ्लो और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इन दोनों में क्या फर्क है। देखो, चार्ज जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन में ही हो ऐसा नहीं है, तो यह समझना पड़ता है कि चार्ज क्या है। तो सबसे पहले हम जो वर्ड समझेंगे वो है चार्ज। चार्ज की डिफाइन लिख लीजिए, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच और बाय वर्च्यू ऑफ विच सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर अप्लाइड। चार्ज किसी एक ऑब्जेक्ट की खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब उसकी खुद की अंदरूनी प्रॉपर्टी, जिसमें किसी बाहर से कोई फेनोमेना उसके ऊपर एक्ट या कोई और फैक्टर्स, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करते, उसे चार्ज कहा जाता है। अब बात आती है कि चार्ज कहां होता है। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर हम स्मॉलेस्ट पार्ट में जाएं तो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम, और एटम में दो चीजें ऐसी होती हैं जिसमें चार्ज होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और इन चार्जेस का पता लगाया गया कि ये चार्ज की वैल्यूज कितनी होती है। बाद में हमें यह भी पता चल गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा, कि प्रोटॉन्स जो हैं वो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके आसपास शेल में घूमते रहते हैं। क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, इसलिए सिंपल फिजिकल फेनोमेना या मेथड से या एक्सपेरिमेंट्स से इन प्रोटॉन्स को बाहर निकालना न्यूक्लियस से वो पॉसिबल नहीं है। सो अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ प्रोटॉन से ही मिल सकेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, मान लीजिए ये सोडियम है, और सोडियम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो ये जो सोडियम का जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का एटम बन जाता है, जिसे पॉजिटिव आयन कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है एटम में, और
नेगेटिव चार्ज चाहिए तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल इलेक्ट्रॉन मतलब सिंपल रबिंग मेथड से भी आप इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। सो सिंपल फेनोमेना में जब हम डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी एटम में या किसी भी बॉडी में अगर आपको चार्जेस या चार्ज एक्वायर करवाना है या चार्ज क्रिएट करना है तो एक ही फेनोमेना है, वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक बॉडी ए है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी। ठीक है, इस बॉडी ए में से अगर इलेक्ट्रॉन उठ के बॉडी बी में ट्रांसफर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी ए जो है वो प्लस वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जितना चार्ज एक्वायर करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन में माइनस वन ई जितना चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए, ई माइनस एक इलेक्ट्रॉन का सिंबल है और स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सिंबल है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। स्मॉल ई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे स्मॉल सी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैसे बहुत सारे हैं, स्मॉल एच 6.625×10⁻¹¹। ये कुछ वैल्यूज होते हैं, नंबर्स होते हैं, जैसे एक डजन को 12 नंबर का कोई भी ग्रुप हो तो उसे आप एक डजन कहते हैं, 100 हो तो उसे सेंचुरी कहते हैं, उस तरह से, तो 10 हो तो डेकेड कहते हैं। तो उस तरह से स्मॉल ई जो है वो एक छोटा सा एक नंबर है, 1.6×10⁻¹⁹। और एक इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोटॉन में, ये प्रोटॉन का सिंबल है, एक इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, एक इलेक्ट्रॉन में माइनस वन ई जितना चार्ज होता है, मतलब ये हो जाएगा −1.6×10⁻¹⁹ कूलम। और एक प्रोटॉन में प्लस वन ई जितना चार्ज हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा +1.6×10⁻¹⁹ कूलम। अब ये नंबर बहुत बड़ा लिखा जा रहा है इसलिए हमने उसको शॉर्ट में स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है और कुछ नहीं। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर होता है तो बॉडी ए को इलेक्ट्रॉन मिले, जो चार्ज मिलेगा वो होगा प्लस वन ई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज का है तो अगर कोई बॉडी नेगेटिव चीजें बाहर निकाल देगी तो खुद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और बॉडी ए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है 1e-, यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है इसलिए ये हो जाएगा −1e जितना चार्ज इसमें एक्वायर हो जाएगा। सो यहां तक क्लियर हो गया है, सपोज कि कोई भी बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो उसे इलेक्ट्रॉन लूज करवाना पड़ेगा, और अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं हमें कि ये फिजिक्स और ये सब कहाँ काम आता है ना। देखो ये सब हिडन मैसेजेस होते हैं फिजिक्स में, मैथ्स में, जो आपको समझना है। क्या हिडन मैसेज है? अगर आपके अंदर की नेगेटिविटी आपसे बाहर चले जाती है तो आप कैसे चार्ज के हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के। और अगर आप बाहर से, देखो बाहर से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, अगर आप बाहर से नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेते हैं तो आप कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस जब मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा तब आपको देते जाऊंगा, फिलहाल हम फिजिक्स पढ़ते हैं। सो यहां तक आपको क्लियर है, अब हम इसका मैथ्स थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब मैंने ट्रांसफर किया बॉडी ए से बॉडी बी में तो एक वन ई प्लस वन ई जितना चार्ज एक्वायर हुआ, चार्ज का सिंबल स्मॉल क्यू होता है फिजिक्स में, स्मॉल क्यू, और उसकी यूनिट होती है कैपिटल सी जिसे कूलम कहा जाता है।
जो फिजिसिस्ट थे कुलम, उनके ऊपर उनके नाम को मान देने के लिए उनके उनके नाम से रखा गया। सो एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है तो बॉडी ए में चार्ज आएगा प्लस वन ई और इसमें चार्ज आएगा बॉडी बी में माइनस वन ई। वैसे अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाऊं तो प्लस टू ई, ये हो जाएगा माइनस टू ई। वैसे ही अगर एक और करवाऊं तो 3e माइनस 3e। इस तरह से अगर मैं n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करवा देता हूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज हो जाएगा प्लस ne या माइनस ne। इसीलिए चार्ज, किसी भी बॉडी का जो चार्ज है उसकी फॉर्मूला लिखी जाती है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है तो वन ई, दो होते हैं तो टू ई, तीन होते हैं तो थ्री ई, अगर लूज कर रहा है तो प्लस, गेन कर रहा है तो माइनस, बड़ा ही क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। So, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपके पास फॉर्मूला एक आ जाती है, वो है Q इज इक्वल टू प्लस एन ई। अब एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट इज 100। अब देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि दिया क्या हो गया है, सॉल्यूशन गिवन। ठीक है, जो 100 है वो क्या है, एन स्मॉल है क्योंकि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 100। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, चार्ज। सो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी नो Q इज इक्वल टू एन ई। सो Q इज इक्वल टू, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए माइनस एन ई, क्योंकि उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज बनाता है। सो माइनस 100 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये है सेकंड क्वेश्चन, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will form one coulomb of charge, यानी के एक coulomb charge बनाने के लिए कितने electrons की जरूरत पड़ेगी। ये question उल्टा हो गया, हमारे पास information ये है कि एक electron में कितना charge होता है, आपको find करना है कितने electrons इकट्ठे होके एक coulomb का charge बनाएंगे। बहुत ही important question है, mark कर लीजिएगा इसको। solution देख लेते हैं कैसे होगा। एक इलेक्ट्रॉन में हमें, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है, वी नो वन इलेक्ट्रॉन इंप्लाइज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये है हमारे पास। अब हमें फाइंड क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करेंगे आप, तो उसको हम एन ले लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो एन इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने से माइनस वन कूलम का चार्ज होना चाहिए। ठीक है, या वन कूलम का चार्ज होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, इसे आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से, जो आपने क्लास 8 में सीखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है 1 × 1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू एन, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू एन। सो एन इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। अगर इसे आगे सॉल्व करें तो n इज इक्वल टू इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और ये आ जाएगा 0.625। n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ये हमें मिलेगा। इससे आपको दो चीज याद रखनी है इस पूरे चैप्टर में। एक इलेक्ट्रॉन में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये उसके अंदर चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो उसमें चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। और अगर एक कूलम चार्ज आपको चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये दो चीज आपको याद रखनी है। अब ये कहां काम आएगा एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये दोनों याद रखना अच्छे से। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये है हमारा आज का तीसरा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड अ बॉडी हैविंग 3.5 कूलम चार्ज कंसिस्ट और कैरी। अब देखो क्वेश्चन उल्टा आ गया, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उससे उल्टा क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन में है Q इज इक्वल टू 3.5 कूलम, उसमें n था पहला न्यूमेरिकल, 100 इलेक्ट्रॉन दिए थे चार्ज ढूंढना था। इसमें आपको चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं, n इज इक्वल टू ढूंढना है, ठीक है। आप Q इज इक्वल टू एनी से बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं, आपको चार्ज दिया हुआ है, E की वैल्यू आपको पता है, n नहीं पता तो वो आ जाएगा n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। एक ये तरीका है, ठीक है। आप इसको ऐसा कर सकते हैं 3.5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एक ये तरीका। दूसरा तरीका, हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, बड़ी इजी इससे करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एक कूलम चार्ज में अगर 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3.5 में कितने होंगे, सीधा डायरेक्ट वेरिएशन क्लास 8 में जो सीखा, एस वन कूलम कैरीज 3.5 कूलम चार्ज, सॉरी 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, सो 3.5 विल कैरी हाउ मच X, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन होगा इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, X इंटू 1 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 6.25 इंटू 10 पावर 18। बड़ा सिंपल है ना, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स तो 3.5 में 3.5 इंटू 1 में जितने होते हैं, सो X इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ये 21.875 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये दोनों मेथड सही है कि मार्क्स नहीं कटेंगे। और आज का ये वीडियो, आज का जो पहला टॉपिक था इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस, व्हाट डू मीन बाय चार्ज और चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कल हम आगे बढ़ेंगे कि इस चार्ज के फ्लो होने से हम करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिर पोटेंशियल। कल हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। आज से हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दूंगा इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप घर पे बैठ के उसके ऊपर वर्कआउट कर सके। और मेरे इसके बाद के वीडियो में मैं वो सम आपको पूरा सॉल्व करके दूंगा। सो ये है वो सम। इफ अ बॉडी लूजेस 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स every second, calculate the time taken to acquire 1 coulomb of charge by the body. If you like the video, please do subscribe the channel and share with your friends. Thank you.